नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। धर्मशीला गुप्ता राज्यसभा के सांसद बन गई, लेकिन आज वो दरभंगा नगर निगम के मेयर के चुनाव में नहीं हारी होती तो वो आज राज्यसभा सदस्य नहीं बनी होती। इसके अलावा जिन लोगों ने उन्हें हराने का प्रयास किया, जिसके लेकर के धर्मशीला गुप्ता के चेहरे जो थे निराश थे, आक्रोशित थे, जिस पर वो आरोप लगा रहे थे, नगर विधायक संजय श्रापी पर आरोप लगा रहे थे, अर्जुन सहनी पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि इन्हीं दो के वजह से चुनाव हारे। अगर मीना झा चुनाव में खड़ी नहीं होती, अर्जुन सहनी खड़ा नहीं होते, अर्जुन सहनी की जो पत्नी थी वो खड़ा नहीं होती, तो धर्मशीला गुप्ता चुनाव जीत गई होती। अगर चुनाव धर्मशीला गुप्ता जीतती तो शायद राज्यसभा की वो सदस्य नहीं बन पाती। तो राज्यसभा का सांसद बनना एक अपने आप में बड़ा ओहदा रखता है। और बता दें, इससे पहले जैसे ही नाराज दिखी धर्मशीला गुप्ता, क्योंकि बड़ा वोट बैंक उनके पास है, अति पिछड़ा वर्ग का बड़ा वोट उनके पास है, और उस वोट बैंक के सहारे नरेंद्र मोदी ने पूरे बिहार में इसका इस्तेमाल किया। सबसे पहले प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाया गया धर्मशीला गुप्ता को, और धर्मशीला गुप्ता ने जिस तरह काम किया, उनके काम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में मनोनीत किया। अब समझिए, जैसे ही ये सांसद बनी, तमाम जो अटकलें थी, तमाम जो विरोध था, वो समाप्त हो गया। संजय सराबी का विरोध समाप्त हो गया, अर्जुन सैनी का विरोध समाप्त हो गया, और अगर हम कहें तो गोपाल जी ठाकुर का भी। तो इस परिस्थिति में अब धर्मशीला गुप्ता चुनाव मैदान में है। 40 विधानसभा सीटों में महिलाओं को जागरूक करते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डलवाने की अब जिम्मेवारी धर्मशीला गुप्ता को बढ़ गई है। देखिए, धर्मशीला गुप्ता भी इससे ज्यादा उत्साहित। धर्मशीला गुप्ता के लिए ये दिन काफी शुभ और महत्वपूर्ण मायने रखता है। प्रारंभिक जीवन से संघर्ष करते हुए एक महिला भारतीय जनता पार्टी की नेता के रूप में कितनी ठोकरें खाई, कितनी बातें सुनी पड़ी होगी, कितने लोगों से फजीहत, कभी कभी बड़े नेता के सामने आत्मग्लानी, कभी कभी पारिवारिक कष्ट, बच्चों को पढ़ाने, बच्चों को कैरियर बनाने एवं पति की सेवा करने के साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की सेवा करने में एवं वार्ड पार्षद रहते हुए अपने वार्ड की जनता के लिए काम करने के साथ आज भले नगर निगम के मेयर चुनाव में हार गई हूं, लेकिन राज्यसभा सदस्य बन जाने के बाद इनकी पूरी मनोआकांक्षा पूरी हो गई है। कहा जाता है कि इन्हें धन्यवाद देना चाहिए संजय सरावगी को, धन्यवाद देना चाहिए अर्जुन सहनी को, रीता सिंह को, क्योंकि इन लोगों की वजह से दरभंगा नगर निगम चुनाव के मेयर पद तो हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सबसे पहले प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाया, उसके बाद राज्यसभा सांसद, जिससे इनका सपना भी पूरा हुआ और महिलाओं की मान सम्मान की रक्षा भी हुई। अब ये जी जान से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करेंगी और अन्य महिलाओं को रास्ता दिखाएंगी कि आइए जी जान ईमानदारी से मेहनत कीजिए तो रास्ता साफ होगा, लक्ष्य पूरा होगा। सम्मान पाकर अभिभूत हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी का जिलावासी की ओर से हृदय से आभार करते हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया। माननीय मोदी जी ने कहा था कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण का उन्होंने विधेयक में पास किया। भाग्य है पत्नी माँ जानकी की धरती से एक साधारण परिवार की महिला, अति पिछड़ा समाज की महिला, जो बूथ से लेकर संगठन को प्रदेश तक काम किया, उस साधारण महिला ने उच्च सदन में राज्यसभा सांसद के रूप में चयनित किया, इसके लिए हृदय से आभारी हूँ। और हमारे मंच पर उपस्थित है हमें आशीर्वाद देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हमारे पार्टी के दरभंगा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी और विधान परिषद के सदस्य
गुदरी के लाल आदरणीय जी मंच पे उपस्थित है। दरभंगा नगर के लोकप्रिय विधायक मैडम, आपसे हमारा दो सवाल है। ये है, आप बचपन से लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी में थे, कार्यकर्ता ग्रुप में थे, और आपका सम्मानजनक पद मिला ये कार्यकर्ता के प्रति आपको क्या मतलब कहना है? ये कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणा है। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और आज मुझे साबित कर दिया है एक कार्यकर्ता को जो समाज के शक्ति दल शक्ति के अंतरिक्षण कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है, और कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति एक निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और सरकार को मजबूत करेंगे, और लोकसभा चुनाव में 40 का 40 सीट जीत करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लास्ट सवाल मेरा ये है, जो एक संध्या